स्टूडेंट से ज्यादा टीचर मेहनत करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मेहनत करते नहीं, करवा लिया जाता है। साढ़े चार बजे उठ के क्लास आते थे, सर को देखते थे और पूरा एनर्जेटिक हो जाते। चार बजे सुबह, हाँ साढ़े चार बजे सुबह में, और सारा बच्चा एनर्जी के साथ। छोटा सा शायरी है, तू भला कर या बुरा कर, क्या हुआ को याद मत कर, वक्त से जिंदगी बना है, यदि जिंदगी से प्यार है तो वक्त को बर्बाद मत कर। ये अभी मैं सहरसा में हूँ और सहरसा के एक क्लास में हूँ, जहाँ कहा जाता है कि कोसी क्षेत्र के सभी बच्चे और सीमांचल के भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ सीटेट पढ़ने आते हैं और सर का कहना होता है कि 100% यहाँ बच्चा आता है और 95% हम रिजल्ट देते हैं। यही ना सर, 95% आप रिजल्ट देते हैं। हम अभी हैं अजय सीटेट क्लास में, मैं आपको ये खुशी दिखाऊंगा और सभी बच्चों से मिलवाऊंगा कि जब सीटेट पास करते हैं बच्चे, क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि टीचर आप बन गए तो आप साइड से बहुत कुछ कर सकते हैं, आप फ्री हो गए। सर कैसा लगता है जब इतने बच्चे पास हो जाते हैं, 100% में 95% रिजल्ट आप दे देते हैं? तो ये सबसे पहले तो हम अपने पूरे शिक्षक परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं दिल से कि आज जिनके बदौलत हम इस मुकाम पे हैं। पूरा हमारा जो शिक्षक परिवार है और साथ साथ जो बच्चों के अंदर जो जज्बा होता है वो जज्बा काबिले तारीफ है। मतलब हम जो सोचते हैं बच्चे के अंदर डालने के लिए, बच्चा उसको बखूबी निभा देता है, ये बहुत बड़ी चीज है। और आजकल जो जनरेशन चेंज हो रहा है और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है वो सामाजिक परिदृश्य में अच्छा करके जाए मंजिल में, और मेरा एक ही मुकाम है, इतनी मेहनत करवा दो कि शायद भगवान भी आके पूछे कि बताओ कि तुमको क्या चाहिए। क्या बात है सर, इरा दिया। एक चीज से जानना चाहेंगे, कहा जाता है ये जो अभी क्राउड है ये सब पास हुए हैं इस बार, और ऐसा होता है कि इतने सारे बच्चे मतलब पूरा क्लास में होते हैं किसी टीचर के पास, आपके पास इतने बच्चे पास होके आए हैं, वो खुशी कितना होता है सर जब पूरे बच्चे पास हो जाते हैं और अच्छे नंबर से पास होते हैं? तो खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं, ठिकाना नहीं रहता, कोई ठिकाना नहीं है। पूरे सीटेट पूरे भारत में अपने आप में एग्जाम लेने के लिए प्रसिद्ध है। इस बार पूरे भारत में, खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 13 लाख से अधिक बच्चे बैठे थे, जिसमें 1-5 में 25,700 कुछ बच्चे पास किए और 6-8 में 24,000 समथिंग बच्चे पास किए, और उसका यदि रेशियो निकाला जाए तो उसमें हजारों से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ से ही बच्चे। क्या बात है, बिल्कुल। मैं जानना भी चाहूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नैयर आजम। मोहम्मद नैयर जी, बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या कैसा लगा आपको ये सर? सफलता के लिए सबसे अहम जरूरी चीज है एक अच्छे मार्गदर्शन, और एक अच्छे मार्गदर्शन देने वाले जो हमारे संस्था में अजय सीटेट क्लास में मिलता है, ये दोनों चीज। तो सफलता के लिए सबसे जरूरी ये दोनों चीज है जो हम अजय सर हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, और अजय सर के हम सब दिल से आभारी हैं जो हम लोग को अपना भविष्य संवारने का एक बेहतरीन मौका दिया। क्या बात है। अच्छा आप लोग बताइएगा, अब कितना जोश है, अभी सीटेट आप लोग पास कर गए हैं। एक चीज जानना चाहेंगे कि बिहार में लड़कियां जब खास करके जब सीटेट पास कर जाती है, कोई जॉब लेती है, तो लगता है नहीं हमारे देश की, हमारे बिहार की बेटियां भी आगे जा रही है, कितनी खुशी है। एक चीज बताइएगा, एक चीज, कितना मेहनत है जी सर का? सर का 100% मेहनत है। और मेहनत सर करवाते हैं यहाँ पे, और मेहनत हम लोग करते भी है। पूरा मार्गदर्शन, जब हम लोग, हमारी क्लास सवेरे 5 बजे चलती थी, जब हम लोग सवेरे 4-4:30 बजे उठ के क्लास आते थे, सर को देखते थे और पूरा एनर्जेटिक हो जाता। साढ़े चार बजे सुबह में और सारा बच्चा एनर्जी के साथ पूरा एनर्जेटिक हो जाते थे, और पूरा मोटिवेशन, जिसको कहते हैं मोटिवेशन, मिला बिल्कुल। पूरे संस्थान के जितने भी हमारे शिक्षक हैं, ये सारे शिक्षक हैं, पूरे शिक्षक, आप इधर भी कर लीजिए। एक बार मैं चाहूंगा इस सारे शिक्षक को आप दिखाएं, जो ये अभी जो सारे बच्चे आप देख पा रहे होंगे अच्छे अच्छे नंबर से, यहाँ भी है इधर भी है। कैसा लगता है सर?
सबसे पहले मैं इस जो बच्चे हैं इनका जो रिजल्ट हुआ है सभी को बधाई, और एक शिक्षक को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उस बच्चे का रिजल्ट होता है। क्या बात है, बिल्कुल। और इस संस्थान में जो भी फैकल्टी है अपने आप में है, और यहाँ पर आने का मतलब रिजल्ट होता है, पढ़ाई के साथ रिजल्ट की गारंटी होती है। यहाँ पर जो भी हमारे फैकल्टी है बहुत एक्सपर्ट है, और बच्चों का भी कोऑपरेशन अच्छा रहा। एक चीज हमको बताइए, आप लोग से जानना चाहते हैं, एक चीज बताइए, जब गार्जियन कहते हैं, जब बच्चा ये कहता है मुझे बाहर जाना है, मुझे पटना पढ़ने जाना है, मुझे दिल्ली पढ़ने जाना है, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? हम लोगों का पर्सनल सर का मतलब कहना है कि सहरसा को पटना बनाना है, सहरसा को पटना बनाना है। हमारे क्षेत्र का बच्चा हमारे घर में रह के पढ़े और सफलता को पाए। आपको हम बता दे, एक्सक्लूसिव जानकारी दे दे, हम लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। क्या बात है, यहाँ पर आप इन सभी महिला को जो देख रहे हैं, कुछ परसेंट को छोड़ दे तो सभी हाउस वाइफ थी, लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा महिला जो हाउस वाइफ थी वो सफल होके आई है, और सबका नंबर 100+ है, मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर 100+ है। हम बता दे, हमारे मैथ के शिक्षक संजीत सर है, हमारे मैथ के शिक्षक संजीत सर है, पवन सर है, ईवीएस पढ़ाते हैं, निरंजन सर है, पूरे संस्थान के सर्वे सर्वा हम लोग सब कुछ करने वाले, अजय सर है, फिर हमारे हिस्ट्री के सर संजीव सर है, फिर हमारे बायोलॉजी वाले सर दिलीप सर से बात कर ले। आप लोग क्या कहेंगे सर, एक बार थोड़ा सा पीछे हो जाइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर के अंदर क्या जोश है अभी? बहुत अच्छा है कि हम एक गाइड लाइन दिए सबको, ये सब खुद अपनी मेहनत के बल, हम सिर्फ क्या है रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ता पे बोलते हैं अच्छे से चलिए और गाइड लाइन करते हैं। इस सबके लिए एक छोटा सा शायरी है, तू भला कर या बुरा कर क्या हुआ को याद मत कर, वक्त से जिंदगी बना है, यदि जिंदगी से प्यार है तो वक्त को बर्बाद मत कर। अगर 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 जिंदगी से प्यार है तो वक्त को बर्बाद न कर, और यही ये महिलाएं और यही ये लड़कियां करके दिखाई है। अजय अजय सीटेड क्लासेस से, अजय सीटेड क्लासेस, बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा। अजी सर, पवन सर, आपका पूरा बच्चा फैन हो गया। यहाँ पे टीचर रिजल्ट नहीं देता है, समझ गए? सबसे बड़ी बात है जो यहाँ बच्ची को जो है ना, यहाँ पे मेहनत, बच्चे शुरू से ये सिखाया जाता है, मेहनत करोगे तो बाबू सफल होगे। लेकिन मेहनत कैसे किया जाए, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बच्चे से मेहनत खुद ब खुद कैसे किया जाए ये करवा दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंस सिखाया जाता है। और यहाँ पर सभी टीचर का यही मेन मोटो रहता है, बच्चे सब चीज लेके आते हैं, सबका जो है ना कोई किसी में कमी नहीं होता है, सिर्फ मेहनत कैसे किया जाता है, ये मेहनत का इम्पोर्टेंस। वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आप ये सीख जाएंगे कि कैसे सीटेट पास किया जाता है, और कैसे करी धूप में ये लड़कियां और ये लड़के खड़े हैं। क्या बोलना है इस संस्था के बारे में, अजय सीटेट क्लास के बारे में? यहाँ पे स्टूडेंट से ज्यादा टीचर मेहनत करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट मेहनत करते नहीं, करवा लिया जाता है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं मैं अभी सहरसा के अजय सीटेट क्लास में हूँ, और यहाँ का भगदड़ आपको बता रहा होगा कि यहाँ कितने जज्बे से पढ़ाई होती है और कितने जज्बे से यहाँ बच्चे और टीचर में जोश भरा रहता है। बाकी मैं आपको अंदर का भी अभी वेबिनार होने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप बने रहे SM News Live के साथ में, और इनके धन्यवाद।